खिलाड़ी अक्षय कुमार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अक्षय कुमार का पूरा परिवार बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रहा है। बीते 8 सितंबर के दिन अक्षय कुमार की मां अरोड़ा भाटिया इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लंबे समय से बीमार चल रही थी अक्षय कुमार की मां, उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। 3 सितंबर के दिन अरोड़ा भाटिया को मुंबई के हीरा नंदानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ICU में भर्ती थी अरोड़ा भाटिया। जैसे ही अपनी मां की तबीयत खराब होने की खबर सुनी, अक्षय कुमार लंदन से तुरंत ही मुंबई वापस लौटे। अपनी मां के बेहद करीब थे अक्षय, हमेशा ही उन पर प्यार बरसाते हुए नजर आते थे और काम के बीच समय निकालकर उनके साथ जमकर एंजॉय करते हुए भी देखे जाते थे। लेकिन अब अपनी मां के चले जाने के बाद अक्षय बेहद दर्द में हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपने दिल के दर्द को छलकाते हुए देखे जा रहे हैं। बीते कल मुंबई के विले पार्ले शमशान भूमि पर अरोड़ा भाटिया का अंतिम संस्कार किया गया, तो वहीं अब अक्षय कुमार से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी आ रही हैं। आज का दिन अक्षय कुमार के लिए बहुत ही खास होता है। 9 सितंबर के दिन अक्षय कुमार अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज उनकी मां इस दुनिया में नहीं है। इस मौके पर वह अपनी मां को बेहद याद करते हुए नजर आए हैं और सोशल मीडिया के जरिए इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है और अपनी मां के साथ की खूबसूरत तस्वीर को शेयर किया है जो हर किसी की आंखों को नम कर रही है। इस तस्वीर में उनकी मां उन्हें किस करती हुई नजर आ रही हैं, उन पर प्यार बरसाती हुई देखी जा रही हैं। वहीं इसी बीच देखा जाए तो अक्षय कुमार के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि अब रुक चुके हैं। जी हां, अक्षय कुमार लंदन में अपनी अपकमिंग फिल्म सिंड्रेला की शूटिंग कर रहे थे जो अक्षय कुमार छोड़कर मुंबई वापस लौट आए। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग भी रुक चुकी है। दरअसल अक्षय कुमार ने जहां एक ओर अपनी मां का अंतिम संस्कार किया, अंतिम विदाई देकर अपने घर पहुंचे, फिल्म इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई। फेमस डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने भी अपनी मां को खो दिया। बुधवार की सुबह अक्षय कुमार की मां का निधन हो गया, लेकिन दोपहर में आनंद एल रॉय की मां भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। अक्षय कुमार अपनी मां को अंतिम विदाई देने के बाद शाम को आनंद एल रॉय की मां के अंतिम संस्कार में पहुंचे, ओशिबारा शमशान भूमि पहुंचे अक्षय कुमार, और इस दौरान अक्षय कुमार की काफी दर्द भरी हालत देखने को मिली, चेहरे पर उदासी देखने को मिली। अक्षय कुमार अपनी मां के जाने के बाद काफी ज्यादा टूट चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार और आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग अब रुक चुकी है। सिंड्रेला की शूटिंग के बाद 5 अक्टूबर से आनंद एल रॉय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू करनी थी, लेकिन दोनों ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में शूटिंग कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ये केवल अटकलें हैं। जिस तरह से अक्षय कुमार अपने काम के पक्के हैं, हो सकता है कि वह जल्दी ही फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दें, लेकिन देखा जाए तो अक्षय फिलहाल काफ़ी दर्द में है, वहीं आनंद एल रॉय भी। बता दें आपको कि रक्षाबंधन दिवाली पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।